बात हो रही है ट्रिपल तलाक के प्रावधान की, जहां एक तरफ कोर्ट में इस मसले पर बहस हो रही है तो वहीं जोधपुर में एक शख्स ने सरेआम अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। सेकंड में छूट गया 9 सालों का साथ, तलाक 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 और उजड़ गई एक दुनिया। ये दर्द है उन 3 शब्दों का जिससे न जाने ही कितनी ही मुस्लिम महिलाएं गुजर चुकी हैं और न जाने कितनी ही गुजर रही हैं। ऐसे वक्त में जबकि ट्रिपल तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी, कोर्ट के बाहर सियासत तेज है, ऐसे में राजस्थान के जोधपुर में फिर ट्रिपल तलाक का कहर देखने को मिला, जहां एक शख्स ने सरे बाजार ही अपनी पत्नी को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन 7 जन्मों में इस बंधन के धागों को लोगों ने बीच सड़क पर तार तार होते देखा। और ये धागे किसी कटार से नहीं काटे गए, बल्कि इन्हें काटा था शब्दों की तलवार ने, और वो शब्द थे तलाक तलाक तलाक। धर्म के नाम पर कानून का ऐसा भद्दा मजा आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह एक शख्स बीच सड़क पर देश के कानून को ठेंगा दिखा रहा है और कैसे एक पवित्र रिश्ते को रुसवा कर रहा है, और वो भी धर्म की आड़ लेकर। और जब तलाक की वजह आपको पता चलेगी तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 9 साल की शादी में जब 7 साल बाद बेटी हुई तो इरफान और फराह के बीच ऐसी दरार पड़ी, फिर वो तलाक पर ही जाकर थमे। दरअसल इरफान को बेटा चाहिए था, लेकिन फराह ने बेटी को जन्म दिया। बस यहीं से कलह बढ़ी और ससुराल वालों ने फराह को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब फराह ने जबरन घर में आने की कोशिश की तो इरफान ने वो कह दिया जिसकी उम्मीद फराह को कभी सपने में भी नहीं थी। पीड़ित महिला ने इसे मानने से इनकार कर दिया, तो वहीं पति अपने फैसले की वजह ही कुछ और बता रहा है। 2 साल हो गए और 2 सालों में इसने, मेरी वाइफ ने मेरे घर वालों के लिए कोई मतलब किसी तरह की कोई इज्जत नहीं करी, ना मेरी इज्जत करी, और इसके बच्चे भी नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए हमने 5-6 लाख रुपए लगाए। बच्चा हुआ, बच्चे होने के बाद भी इसने जो हमारी इज्जत नहीं करी, और घर में मेरे से रोज झगड़ा करती थी, मुझे मारती थी, कई बार मेरे पेट में लाते मारी है, उसके मेरे पास सबूत पड़ा है उसका, और माँ बाप से ही बात नहीं करती थी, मेरी बहन से ही बात नहीं करती थी। 9 साल पहले शादी हुई और झगड़े इसकी लड़की के होने से स्टार्ट हुए, और चाचा भी इसमें इन्वॉल्व था। मैं आई और मेरे हस्बैंड ने सड़क पे खड़े होकर तलाक बोल दिया, जबकि ऐसे होता नहीं है। कितनी बार तलाक बोला, क्या था? 3 बार तलाक बोला और बोला कि 3 बार तलाक बोला और बोला कि बस मैं इसको तलाक देता हूँ, लेकिन ऐसे तलाक नहीं होती है। क्या आपने उसने जो तलाक दी उसको आप मानती हैं? नहीं मानती। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद शरीयत के जानकार भी 2 हिस्सों में बटे नजर आए, जहां एक पक्ष का मानना है कि कोई भी शख्स कहीं पर भी अगर अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोल देता है तो शरीयत के मुताबिक ये मान्य है। वहीं दूसरे पक्ष के मुताबिक कुछ लोग इस्लाम के कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी बंदे मोमिन हो, अगर वो अपनी बीवी को एक नशिस्त में, एक मजलिस में 3 तलाक दी तो 3 ही शरण मानी जाएगी। ये तरीका ही नहीं है। पहली बात तो कि आप किसी को बच्ची को या अपनी बीवी को बाहर खड़ा कर दें और सरह से कहें कि आपके अगर बच्चे नहीं हो रहे तो मैं आपको तलाक दे रहा हूँ, ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। ये इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त इस तरह से नहीं देता है। हाँ, अलबत्ता अभी उसको ये ज़रूर चाहिए कि उस औरत को अभी जिस तरह से उसके शौहर ने किया है और उसके शौहर को इस बात की बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए, चूँकि ये शरीयत नहीं है।
खैर वजह जो भी हो, लेकिन सरेआम पत्नी को तीन बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ लेना कहीं से भी वाजिब नहीं। क्या ये किसी महिला के साथ अन्याय नहीं कि बस तीन शब्दों के साथ उसकी जिंदगी को यूं सड़क पर ला खड़ा कर दिया जाए। फिलहाल ट्रिपल तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जोधपुर से दयाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।